हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या खिलाएं? देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है बहुत लोगों को नहीं भी पता होता। जिनके बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं तो समझिए बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की बहुत कम है। तो बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम किस चीज से बढ़ता है? बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है बच्चे की डाइट से, बच्चे की नींद से और बच्चे की मोटर स्किल से कि बच्चा आपका कितना ज्यादा एक्टिव है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बच्चे को खाने में क्या क्या दे सकते हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहली चीज जो बच्चों को दिया जा सकता है वो है अंडा। 1 साल से बड़े बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, 1 साल से छोटे बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं दी जाती हैं। तो 1 साल से बड़ा अगर आपका बच्चा है तो उसको आप अंडा खाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में बच्चे को आधा ही अंडा दें और अच्छा पका हुआ उबला हुआ अंडा दें। कच्चे अंडे से बच्चों को एलर्जी हो जाती है और बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे का पेट खराब हो सकता है। तो बच्चे को अच्छे से उबला हुआ शुरू में आधा अंडा दें। अंडे से बच्चों को प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है, बच्चे को बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो बच्चों को खाने से नहीं मिल पा रहे हैं। तो अंडा बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरी चीज जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जा सकता है वो है दोस्तों संतरा। जी हाँ, संतरा बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत फायदेमंद होता है। संतरा एक खट्टा फल है, सिट्रिक फल है, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो सर्दी जुखाम बुखार से बचाने के लिए संतरा बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। किस केस में बच्चों को संतरा नहीं देना है? बच्चों को संतरा नहीं देना है जब आपके बच्चे की एज 1 साल से छोटी है, तो बच्चे को केवल संतरे का गूदा जो होता है अंदर का छिलका नहीं देना है। छिलका बच्चे के गले में चिपक सकता है तो उसे चॉकिंग हो सकती है, तो उसका केवल गूदा और रस निकाल कर ही आप बच्चे को दें। तो आप 6 महीने से बड़े बच्चे को केवल उसका गूदा दे सकते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और उससे बड़ा बच्चा है तब भी आपको 1 साल से बड़े बच्चे के लिए भी अपनी निगरानी में ही उसको ओरेंज देना है या फिर खुद अपने हाथ से खिलाना है। तीसरी चीज है गाजर। विटामिन ए से भरपूर गाजर आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत फायदा करती है। 6 महीने से बड़ा बच्चा है, गाजर की प्यूरी अच्छे से पकी हुई और मैश करी हुई दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कच्ची गाजर बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी है। 1 साल से बड़े बच्चे को भी गाजर को अच्छे से पकाकर मैश कर ही दें, क्योंकि गाजर भी बच्चों के गले में फंस जाती है। तो गाजर भी बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तीसरी चीज है दोस्तों स्वीट पोटैटो। जी हाँ, शक्करकंद भी बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत फायदा करती है। शक्करकंद बाजार में बहुत इजीली मिल जाती है और शक्करकंद को उबाल कर भून कर छील कर उसका हलवा बनाइए, मैश कीजिए, कैसे भी उसको भून कर भी इसी तरीके से खाया जाता है तो वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होती है। नेक्स्ट है आपका गुड़। जी हाँ, सर्दी के मौसम में गुड़ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, इतने सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ गुड़ आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दालें, देखिए दाल, चावल, सब्जियां, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब तो 12 महीने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनको अगर आप सर्दी में बच्चे की डाइट में शामिल कर देते हैं तो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे कि बच्चों को एलर्जी, अगर किसी को खांसी हुई है तो तुरंत बच्चे के अगर आपको खांसी हो जाती है तो समझिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है, क्योंकि बच्चे का शरीर बीमारियों से किस तरीके से लड़ता है, कितनी जल्दी ठीक हो जाता है और कितनी जल्दी बीमार हो जाता है, ये दिखाता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अपने बच्चे की डाइट में आप भी इन चीजों को जरूर शामिल कीजिए, ये बच्चे को आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी बनाएंगी और हेल्दी भी रखेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।